हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या? तुषार। सो तुषार जी, अब क्या बनाने वाले स्पेशल? अभी अपना स्पेशल आइटम है चिकन पराठा। चिकन पराठा मुंबई में मेरे को लगता है कि खाली मेरे पास ही रहेगा। ओके, थोड़ा यूनिक है, यूनिक स्टाइल में। ओके बाकी आपको नॉर्मल पराठा कहीं पर भी मिल जाता है, दिखेगा थोड़ा सा यूनिक। ओके, तो हमारे टीपी फूड्स का इनका चिकन पराठा बहुत यूनिक है, तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं। तो क्या फर्स्ट अंडा आएगा? दो अंडा जाएगा। दो अंडा जाएगा। ओके, मीडियम। हाँ मीडियम, एकदम। तो ये वाली कौन सी चटनी है? अदरक लहसुन मिर्ची। अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट है। पेस्ट है। इसमें कोरिएंडर आएगा अभी। तो ये क्या है सर? ये नमक। नमक है। गरम गरम मसाला। जीरा। ओके, जीरा। धना। धना। ये मेन मसाला है। धना। क्या है मसाला? ओके, अपन खुद बनाते हैं। ओके, तो इनका जो रेड वाला है इनका खुद का है। वेज समोसा है। चिकन है। तो ये पराठा बन रहा है। ओह, तो इतना क्वांटिटी आएगा सर? क्वांटिटी इतना नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ, बट पराठा आपका एकदम एक खाएगा तो उसकी पेट खाना हो जाएगा आराम से। इसमें ब्रेड 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 के साथ। ओके, तो तीन स्लाइस का कितना है सर? दो दो स्लाइस का। ओके, इसको आप स्लो पकाते हो फिर इसको? ओके, ये हो गया अपना पराठे का बेस तैयार हो जाएगा। ओके, गरम करेंगे। अपना ग्रेवी अपना घर पे ही बनता है। अच्छा, ये पूरा घर पे ही बनता है। तो इसको बनाने का कितना टाइम का प्रोसेस होता है? गैस पे जाने के बाद मिनिमम 2.5 से 3 घंटा लगता है उसको। बॉइल्ड होने से? बॉइल नहीं, बॉइल करते ही नहीं अपना। ओके, डायरेक्टली बनता है। तो इसको स्लोली स्लोली पकाते हैं। फ्लिप कर रहा हूँ।
अच्छे हैं सच। ओहो तो ये क्या नियॉन है? नहीं व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं है। दो फ्लेवर है अपने पास। ओके किसी को फीका चाहिए तो अपने पास शेजवान फ्लेवर है। शेजवान ओके तो इसके ऊपर शेजवान लगेगा फिर। शेजवान मायो। शेजवान मायो ओके। वो भी खुद बनाते हैं? वो भी करते हैं। तो इसमें इसमें चिकन पराठे का भी ये रहेगा, स्टफिंग रहेगा अपना। ये हो गया अपना रेडी हो गया। अरे अपना मेन पुदीने का चटनी उसके साथ। इसका क्या नाम रखा सर आपने? चिकन पराठा। चिकन पराठा ओके। और ये इसका क्या प्राइस है? 120 ओनली। ओनली 120 ओके। और इसका लोकेशन क्या है सर? दादर ईस्ट नायगांव। दादर ईस्ट नायगांव बीडीडी चौल नंबर 5 के पीछे, 5A के पीछे। बीडीडी चौल नंबर 5A ओके। जस्ट इनके अपोजिट ही पड़ता है। और ये वाला कौन सा लेना? एसएस वॉक मार्क। थैंक यू सर। हेलो गाइस, द ग्रेट इंडियन फूडी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दादर नायगांव के यहाँ पर टीपी फूड्स में। तो इनके यहाँ पर आज हम ट्राई करने वाले हैं इनका सबसे स्पेशल चिकन पराठा, जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा, थोड़ा यूनिक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और आपको इनकी मेकिंग दिखाते हैं।